हेलो भाई, मैं हूं रवीश और बहुत ही ज्यादा वेलकम है आपका वीडियो में। गाड़ी तो भाई मैं घर पे छोड़ गया हूं क्योंकि हल्के हल्के बारिश हो रही है। आप लोग देखो इधर बढ़िया नदी तालाब बह रहे हैं। तो भाई मैं आज रेड बस में आपको भोपाल घुमा देता हूं क्योंकि एक्चुअली मुझे भी घूमना है, अपने जाना है, अपने फ्रेंड्स है। तो यहां पे पास बनवा लेता हूं बस का, तो उसका भी थोड़ा आपको दिखा देते हैं। चलो ऐप में कैसे पास बनाया जाता है, कैसे फिल करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, वो सब मैं आज आपको बताता हूं। और साथ ही साथ अपन घूमते हैं, चलो ऐप में बस का रूट भी कैसे सर्च करते हैं अपन, चलो ऐप में कैसे बस ले सकते हैं और भोपाल को बहुत ही सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। भाई यहाँ पर हमें मिलेगी चार राइड 39 रुपए में चार राइड मिलेगी। आप कहीं से किसी भी बस में चार बार सवारी कर सकते हो, कहीं से भी कहीं तक। तो चलो प्रोसेस आपको बता देता हूँ, इसके बाद जर्नी आपको बताता हूँ। भाई जर्नी मेरी होने वाली है लगभग 40 किलोमीटर की, सो आप बने रहो, बहुत मजा आएगा ब्लॉग में। सो भाई अब आ जाओ मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको चलो ऐप डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है, वो थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। उसमें जीपीएस और डाटा जो भी वो एक्सेस मांगता है वो आपको कर देना है। इसके बाद बाय टिकट के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन। इनमें से एक और ऑप्शन मिलेगा सी ऑल, तो उसमें जाइए आप सी ऑल में। वहाँ आपको मिलेगा सी ऑल पर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो रिसेंट परचेस मैंने किया है 39 रुपये वाला, तो ये सुपर सेवर करके आता है 39 रुपीज़ में, चार ट्रिप हमें मिलती, तो आप इसको जो है सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपनी डिटेल भर लेना पूरी कंप्लीट। इसके बाद आप 39 रुपये वाला प्लान लेकर आप टिकट ले सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर कंप्लीट डिटेल भरने के बाद आपको आ जाएगा कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप फोन पे से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। सो भाई मैंने फोन पे से पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, 39.08 रुपीज पेड कर दिए हैं मैंने। इसके बाद अपना पास जो है वो ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा पास जो है बुकिंग सक्सेसफुल हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपन अब यूज नाउ करके आप अपना जो पास है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। इसके बाद जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं भाई, और ये आपको वैलिडेट तभी करना है जब आप बस में चढ़ जाएं, क्योंकि जिस बस में आप बैठेंगे उस बस के लिए वैलिडेट हो जाएगा। ये रहा भाई अपना टिकट, यहाँ तक का टोटल फेयर 15 रुपीज है, बट अपना अब तीन राइड बची हुई है क्योंकि भाई अपन ने कर लिया था पास एक्टिवेट। सो इस बस में मुझे सबसे पीछे वाली सीट मिली और मेरी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रही। अब भाई यहाँ पे अपना स्टॉप समाप्त हो जाता है। Few moments later. फिर मैंने प्रभात चौराहा से बस चेंज करी, जहाँ पर मुझे पूरी तरह से खाली बस मिली। इससे मैं कोलार में बैरागढ़ चिसली तक जाने वाला था, पूरी बस खाली रही और सफर बहुत ही अमेजिंग रहा। अब मैं अपने दोस्त के घर से थोड़ा ही दूर था, मैंने उसको फोन किया और वो मुझे बुलाने आ गया। अब हम प्लान करते हैं कुछ नया। भाई मैं आया था शिवा भाई से मिलने, तो भाई यहाँ पर है देसी ढाबा, शिवा भाई भी यहीं पे आ गए हैं देसी ढाबा के पास ही। अभी हम जा रहे हैं पानी गिरते हैं भाई कोलार डैम साइड, मेरे साथ रवि भाई। दो तीन दिन से भाई तगड़ा वाला पानी गिर रहा है, घर से निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं, और एक काम करने का मतलब मन ही नहीं, क्या भाई काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा क्या, मतलब घर पे बैठे भाई 25 किलोमीटर जो है कोलार डैम है, काफी फेमस है, तो हम जा रहे हैं भाई। भाई वहाँ के नज़ारे बहुत ही तगड़े होंगे, देखो पानी गिरते हुए जा रहे हैं भाई। चलो चलो, चलो। ये देखो यहाँ पे भाई हम आ चुके हैं कोलार डैम, और आ जाओ नज़ारा दिखाते हैं। तो भाई फुल पैसा वसूल है, हम लोगों को लगा था भाई पहले की कोई दमबाजी नहीं है, लेकिन यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि भाई मजा ही आ गया, एकदम जन्नत में आ गए। कोलार डैम के भाई ये गेट खुल चुके हैं और यहाँ से भाई बहुत ही अमेजिंग सा नजारा है भाई, देख लो आप खुद कितना मतलब क्या दिखाऊं आपको भाई, पूरा भाई थोड़ा पानी गिर रहा है इस वजह से, नहीं तो इतना मतलब यहाँ से आप फेस टू फेस देखोगे मजा आ जाएगा आपको भाई। भाई सीढ़ियाँ ऐसी हैं, अगर इसमें जरा सा भी फिसला तो सीधे डैम के अंदर जाके गिरेगा वो।
इसी के साथ अब हम चलते हैं पुनः अपने घर की तरफ।